भाषा कौशल में मुहावरे और कहावतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इनके प्रयोग से भाषा में चमत्कार और रोचकता तो उत्पन्न होती ही है, साथ ही उसकी अर्थवत्ता को भी विस्तार मिलता है। तयशुदा है कि इनके प्रयोग से भाषा की संप्रेषण क्षमता में इजाफा होता है। तो इसके प्रयोग से भाषा में जो विलक्षणता आती है, जो रोचकता आती है, उससे भाषा में एक सामर्थ्य, एक रिचनेस पैदा होती है। पर हालांकि हम इनका प्रयोग बड़ी सहजता से अनायास करते हैं, पर यह सहजता, ये अनायास के पीछे एक निश्चित प्रामाणिक ज्ञान आवश्यक है। अगर वो ज्ञान न हो तो हम इनका प्रयोग सहज ढंग से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक सामान्य शब्द के हेर फेर से अपने अर्थ में तब्दील, उनके अर्थ में तब्दीली आ जाती है, और बगैर उचित ज्ञान के, बगैर प्रामाणिक जानकारी के इनका प्रयोग संभव नहीं है। एक उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे सिर उठाना विरोध के अर्थ को प्रदर्शित करता है, तो सिर चढ़ाना किसी को शह देना या शोक बनाने के अर्थ को व्यंजित करता है, और सिर पर सवार होना पीछे पड़ने के भाव को व्यक्त करता है। तो ये बारीकियां जब तक हम न समझें, मुहावरे का प्रयोग या लोकोक्तियों का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों पर, ताकि भाषा शिक्षण में इनका अध्ययन कर हम अपनी संप्रेषण क्षमता में इजाफा कर सकें और उसे सशक्त और संपन्न बना सकें। सबसे पहले हम देखेंगे मुहावरा, कि मुहावरा क्या है। मुहावरा शब्द अरबी से लिया हुआ शब्द है, जो अपने सामान्य अर्थ में रोजमर्रा या अभ्यास के अर्थ को व्यंजित करता है। लेकिन हिंदी ने यह शब्द तो अरबी से लिया, पर इस अर्थ में नहीं लिया जो अर्थ में वहां वह प्रचलित था। यहां पर हमने उसे पारिभाषिक शब्द के रूप में लिया है। मुहावरा अपने पारिभाषिक रूप में एक विशिष्ट अर्थ को व्यंजित करता है, और वह विशिष्ट अर्थ है कि मुहावरा सामान्य अर्थ को बाधित कर एक विलक्षण अर्थ को अभिव्यंजित करता है। जैसे एक शब्द हम कहें पेट काटना। अब पेट काटना के सामान्य अर्थ में कोई विलक्षणता नहीं है, लेकिन जब हम इसे बतौर मुहावरा प्रयोग करते हैं तो हम वाक्य में इसका प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि रामू ने अपना पेट काटकर अपने बच्चे को पढ़ाया। इस प्रयोग ने रामू के संबंध में जो कथन है उसे अर्थपूर्ण भी बनाया और चमत्कारपूर्ण भी बनाया। तो मुहावरे के प्रयोग से हम अपने कथन में लाक्षणिक वक्रता, चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अब मुहावरे के स्वरूप को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए हम उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। मुहावरे की रेखांकित विशेषता है कि मुहावरा एक वाक्यांश है। वाक्यांश है से मतलब है कि वह अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं है, वह वाक्य का एक टुकड़ा है। अतः हम उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में न करके वाक्य के संदर्भ में करते हैं। जैसे एक मुहावरा है आंख का तारा। इसका प्रयोग इस प्रकार से होगा कि सोहन अपनी माँ की आंख का तारा है। तो स्वतंत्र रूप में हम इसका प्रयोग न करके वाक्य के संदर्भ में करेंगे। तो मुहावरे की परिभाषा हुई कि मुहावरा वह वाक्यांश है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अपनी लाक्षणिक वक्रता के माध्यम से चमत्कार और रोचकता उत्पन्न करता है और भाषा की अर्थवत्ता में विस्तार करता है। मुहावरे की दूसरी प्रमुख विशेषता है, जैसा कि उसकी परिभाषा से अभी स्पष्ट हुआ, कि उसमें लाक्षणिक वक्रता है। यह लाक्षणिक वक्रता, यह चमत्कार उसमें
उस अर्थ से उत्पन्न होता है जो सामान्य अर्थ के बाधित होने पर विलक्षण अर्थ को ग्रहण करने के माध्यम से उत्पन्न होता है। जैसे ईद का चांद। अब ईद का चांद में हमारा प्रयोजन न ईद से है न चांद से है, पर ईद के चांद से हमने जो विलक्षण अर्थ ग्रहण किया वह है कि बहुत दिनों में दर्शन होना। तो यह बात स्पष्ट हुई कि मुहावरा सामान्य अर्थ का बोध न कराकर एक विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराता है। मुहावरे की एक और खासियत है कि मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों को हमें जो का त्यों प्रयोग करना होता है, हम उसके किसी विकल्प में पर्याय शब्द को नहीं रख सकते। जैसे अभी हमने ऊपर एक मुहावरा देखा, ईद का चांद। अब चांद की जगह पर अगर हम चाहें कि विधु, शशि या चंदा शब्द का प्रयोग करें और हम कहें कि ईद का शशि हो, तो ये कहीं से भी न तर्क संगत है न युक्ति संगत है, बल्कि यह हास्यास्पद है। तो यह तय हुआ कि मुहावरे में हम उसमें प्रयुक्त शब्द को जो का त्यों बगैर किसी पर्याय के इस्तेमाल करें। हाँ, ये और बात है कि लिंग और वचन के अनुसार उसके क्रिया रूप में थोड़ी बहुत तब्दीली आती है। मुहावरे की एक और खासियत है कि मुहावरा अपने सांस्कृतिक वैभव, जिस भाषा के मुहावरे हैं उस भाषा के सांस्कृतिक वैभव, सभ्यता, अध्ययन, चिंतन, मनन का आईना होता है। कोई भाषा कितनी सशक्त, कितनी समर्थ है, उसका सांस्कृतिक वैभव कितना संपन्न है, यह उस भाषा में प्रयुक्त मुहावरों के माध्यम से ज्ञात होता है। आज के वैज्ञानिक युग या तकनीकी युग की भाषा ही मुहावरा संपन्न नहीं है। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि आदिकाल से मुहावरों का प्रयोग निरंतर भाषा में होता रहा है। भक्ति काल का जो वर्ण है, जो कथ्य है, वो गंभीर है, दार्शनिक है, और उस दार्शनिक कथ्य को भी उस युग के कवियों ने मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग द्वारा सार्थक और सटीक बनाया है। जैसे हम कबीर का एक उदाहरण देखें, कबीर ने खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया और विभिन्न भाषाओं के मुहावरों का प्रयोग उन्होंने, प्रादेशिक भाषाओं के मुहावरों का प्रयोग उन्होंने अपनी साहित्य में किया है। इस जीवात्मा और परमात्मा के तादात्म्य को उन्होंने एक सुंदर मुहावरे के द्वारा व्यक्त किया कि आत्मा और परमात्मा कैसे एक हो गए, जैसे रल गयो आटो लून। इस मुहावरे ने उस कथन को तर्कसंगति नहीं बताया, उसकी जो अर्थवत्ता है उसमें से जो बहुत गंभीर और गहरा अर्थ खुल रहा है उसे भी और अधिक स्पष्ट कर दिया। तुलसीदास बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इस छोटे से वाक्य के द्वारा उन्होंने बड़े लोगों में के दोष, बड़े लोगों के दुर्गुण कैसे छुपाए जा सकते हैं, उनके दुर्गुण भी कैसे गुणों में बखाने जाते हैं, इस बात को उन्होंने इस एक मुहावरे के द्वारा व्यक्त किया है। तो इस प्रकार मुहावरा किसी भी क्षेत्र विशेष की संपन्नता और उसके चिंतन मनन का परिणाम होता है, उसमें हम उसका अक्ष देख सकते हैं। मुहावरे की एक और खासियत है कि बदलते समय, बदलते परिवेश के साथ मुहावरों में भी परिवर्तन आता रहता है। सामंत युग के मुहावरों में जो बात थी उससे अब आधुनिक वैज्ञानिक युग में, इस तकनीकी युग में हम मुहावरों में और भी परिवर्तन निरंतर देख रहे हैं। यह तो बात हुई मुहावरों की सामान्य विशेषताओं की। मुहावरों में एक और खास बात होती है, सिर्फ हिंदी के मुहावरे ही नहीं, दूसरी भाषाओं के मुहावरों में भी हम देखते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों पर मुहावरे बहुत सारे गढ़े गए हैं। इस विशेषकर वे शरीर के अंग जो हमारे रोजमर्रा की क्रियाशीलता में उपयोगी रहते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, इन पर हमें कई मुहावरे
पढ़ने को मिलते हैं। आंख से संबंधित मुहावरे देखिए, आंख चुराना नजर बचाने के अर्थ को व्यक्त करता है। कामचोर विद्यार्थी अध्यापक के सामने आंख चुराते हैं। आंख में धूल झोंकना धोखा देना। पॉकेट मार बस में आंख में धूल झोंककर लोगों की जेबें साफ करते हैं। आंखें बिछाना प्रेम में विकलता से राह देखना। प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए आंखें बिछाए बैठा है। आंख का काटा होना शत्रु होना। सोहन मोहन का आंख का काटा है। इसके अलावा कान नाक मुंह पर भी हमें कई मुहावरे देखने को मिलते हैं। कान में तेल डालना, किसी की बात को न सुनना। मैं कब से तुम्हें अपनी बात समझा रहा हूँ पर तुम तो कान में तेल डालकर बैठे हुए हो। कान भरना किसी की शिकायत करना। तुम अफसर से लगातार मेरे लिए कान भरते रहते हो। मुंह पकड़ना बोलने को रोकना। प्रजातंत्र में कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता है। मुंह उतरना उदास होना। जैसे ही परीक्षा परिणाम आया कि मोहन का मुंह उतर गया। दांत तले उंगली दबाना चकित होना। उस छोटे से बालक ने मंच पर जो कमाल दिखाया सारी सभा दांत में उंगली दबाकर रह गई। दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती। चीन और पाकिस्तान के बीच में दांत काटी रोटी है। अंगों पर आधारित इन मुहावरों के अतिरिक्त और भी कई मुहावरे हमारे मुहावरा कोश में शामिल हैं। कुछ मुहावरों की वानगी देखिए आप। मुट्ठी गरम करना रिश्वत देना। कार्यालय में कोई भी काम मुट्ठी गरम किए बिना नहीं होता है। श्री गणेश करना काम प्रारंभ करना। शुभ मुहूर्त देखकर तुम अपने काम का श्री गणेश करो। घोड़े बेचकर सोना निश्चिंत हो जाना। परीक्षा खत्म होने पर सीता आज घोड़े बेचकर सोई है। टेढ़ी खीर कठिन कार्य। हिंदी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करना टेढ़ी खीर है। 9-2-11 होना भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। चोली दामन का साथ अत्यंत घनिष्ठ दोस्ती। साहित्य और दर्शन के बीच चोली दामन का साथ है। भीगी बिल्ली बनना डर से दुबकना। जो ही जाड़ा तेज पड़ने लगा तुम तो घर में भीगी बिल्ली बने बैठे रहते हो। छप्पर फाड़ कर देना अनायास अचानक बहुत सारी संपत्ति प्राप्त होना। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा में काव्यात्मकता लय उत्पन्न होता है और गद्य की भाषा भी कविता जैसी लगने लगती है। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी जान लेना जरूरी है कि बिना अभ्यास के इसके संबंध में प्रामाणिक जानकारी के बगैर हम मुहावरों का उपयोग नहीं कर सकते। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है या हम हास्यास्पद स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए मुहावरों के प्रयोग से अगर हम चाहते हैं कि हमारी भाषा को सशक्त और रिच बनाए तो यह आवश्यक है कि उसके संबंध में हम उचित ज्ञान उचित प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर लें और निरंतर अभ्यास से इसका प्रयोग करके हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल में इजाफा कर सकते हैं। हालांकि एक आम आदमी जिसकी हिंदी में बहुत गहरी पकड़ नहीं है वह लोकोक्ति और मुहावरे को एक समझने की भूल करता है। उसे ये भ्रम होता है कि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। उसके पीछे कारण यह है कि दोनों के माध्यम से भाषा में लाक्षणिक वक्रता उत्पन्न होती है। दोनों का प्रयोग करके भाषा में चमत्कार और रोचकता उत्पन्न होती है लेकिन प्रयोग के आधार पर दोनों में विभिन्नता है। मुहावरे को परिभाषित करते हुए हमने देखा था कि मुहावरा वाक्यांश है जिसे हम
वाक्य के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, हम उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, लेकिन लोकोक्ति या कहावत अपने आप में पूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग वाक्य के संदर्भ में नहीं होता, बल्कि पहले हम अपनी बात पूरी कह लेते हैं और फिर अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए हम लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो तय हुआ कि मुहावरा और लोकोक्ति में सबसे बड़ा और प्रमुख अंतर यह है कि मुहावरा वाक्यांश है और लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है। उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है और अपने कथन के बाद में अपने कथन को प्रामाणिकता देने के लिए, उसे पुष्ट करने के लिए हम लोकोक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे एक लोकोक्ति देखिए, अंधा बाटे रेवड़ी आप आपको दे। इसका मतलब है कि अपनों का ख्याल रखना। अब इसका एक वाक्य में प्रयोग देखें कि मंत्री महोदय ने चुनाव टिकट के समय अपने भाई बंधुओं का बहुत ध्यान रखा। सही है कि अंधा बाटे रेवड़ी आप आपको दे। तो इसका प्रयोग हम अपने कथन के बाद में करते हैं। लोकोक्ति के पीछे, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लोक की उक्ति, यानी जो लोक में प्रचलित उक्ति है, यानी कि जो कहानी या घटना प्रचलित हुई या जो लोगों की जुबान पर चढ़ गई, वही कालांतर में लोकोक्ति का रूप पा लेती है। तो लोकोक्ति एक तरह का नीति साहित्य है, विजडम लिटरेचर है, या हम कहें कि वो ग्रामीण समाज का नीति शास्त्र है। वह गागर में सागर भरने की कला है कि जिसके माध्यम से सूत्र रूप में बड़ी विस्तृत बात को बहुत संक्षेप में कह लिया जाता है। लोकोक्ति में हम जो अर्थ ग्रहण करते हैं, वह एक एक शब्द का अर्थ ग्रहण न होकर संपूर्ण वाक्य का अर्थ ग्रहण होता है। इसीलिए लोकोक्ति अपने वाक्य की पूर्णता में ही संपूर्ण प्रभाव को अभिव्यंजित करती है। लोकोक्ति के स्वरूप को और भी अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ उदाहरणों की वानगी देख लें और उनका वाक्य में प्रयोग देख लें, तो लोकोक्ति का स्वरूप हमारे सामने और भी अधिक स्पष्ट हो सकेगा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुण के विपरीत नाम होना। मेरे पड़ोसी का नाम लक्ष्मी नारायण है, लेकिन बेचारे को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। उसके बारे में सही कहा जा सकता है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसी प्रकार एक और लोकोक्ति देखें, अधजल गगरी छलकत जाए। अयोग्य व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। जैसे उसकी पत्र पत्रिका में दो चार कविताएं क्या छप गईं कि वह अपने को कवि सम्राट समझने लगा। ठीक ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। एक अनार सौ बीमार, यानी वस्तु कम और मांग अधिक। नौकरी के लिए जो विज्ञापन दिया था, उससे उसके संदर्भ में इतने ढेर आवेदन पत्र आए हैं कि स्थिति है एक अनार सौ बीमार। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी किसी को आप एक बार धोखा दे दें तो बार बार आप उसे धोखा नहीं दे सकते। पाकिस्तान की चिकनी चुपड़ी बातों में अब हम नहीं आ सकते, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, यानी कि एक बार हानि उठाने पर हम सदा के लिए सावधान हो जाते हैं। मोहन ने परीक्षा के समय नकल करते समय जो अपमान झेला, क्या वह किसी नकलची के निकट फटकने में भी डरता है? सही कहा है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, यानी निर्भय होकर काम में तत्पर होना, काम में जुट जाना। आजादी के लिए देश प्रेमियों ने देश सेवा का जो प्रण लिया, तो फिर जेल भी उन्हें भयभीत नहीं कर सका। सही कहा है कि
उस ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। एक और लोकोक्ति है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी सीधेपन से काम सिद्ध नहीं होता। दुष्टों के साथ सीधापन और सरलता का व्यवहार रख के हम अपना काम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ तो यह स्थिति है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव में सिद्ध, इसका मतलब है कि जो गुणीवान व्यक्ति है वो निकटस्थ लोगों के द्वारा सम्मान नहीं पाता है। इसे एक उदाहरण के रूप में देखें, कलेक्टर साहब का बाहर बहुत सम्मान है, लोग उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं, पर घर में पत्नी और बच्चे उनकी कोई इज्जत ही नहीं करते। सही कहा है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव में सिद्ध। हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। हाई स्कूल के मास्टर साहब ने कहा कि मेरा यहाँ का रिजल्ट 100% आएगा, और अगर आप विश्वास न करें तो कल के समाचार पत्र में देख लें, हाथ कंगन को आरसी क्या। एक और लोकोक्ति देखें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी निरपराध जब लज्जित होते हैं तो हम उस अपना वो गुस्सा निरपराध पर उतारते हैं। जैसे मोहन को जब प्राचार्य महोदय ने डांटा तो वहां से बाहर निकलकर वह कमजोर बच्चों पर अपना गुस्सा उतारने लगा। ठीक ही कहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपनी तुरही यदि खुद नहीं बजाओगे तो लोग उसे पीक दान समझकर उसमें थूक कर चले जाएंगे। हालांकि एक लंबा वाक्य है, सूत्र वाक्य है, पर इसका लोकोक्ति की तरह प्रयोग होता है कि जब हम, और इस सूत्र वाक्य के माध्यम से एक हम नीति संबंधी बातें भी समझा पाते हैं कि जैसे हम किसी से कहें कि तुम अपने काबिलियत को खुद समझो और अपनी काबिलियत का खुद सम्मान करो, क्योंकि यदि तुम अपनी काबिलियत का सम्मान नहीं करोगे तो लोग तुम्हारा कभी सम्मान नहीं करेंगे। क्योंकि ठीक ही कहा है कि अपनी तुरही खुद न बजाओ तो लोग उसे पीक दान समझ उसमें थूक कर चले जाते हैं। भाषा शिक्षण के आज के पाठ में हमने देखा कि मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा की संप्रेषण क्षमता में, उसकी अर्थवत्ता में विस्तार होता है और भाषा सशक्त बनती है। मुहावरा एक वाक्यांश है जिसके माध्यम से हम विलक्षण अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन मुहावरा और लोकोक्ति पर्यायवाची न होकर एक दूसरे से भिन्न है। मुहावरा वाक्यांश है और लोकोक्ति अपने आप में संपूर्ण वाक्य है। मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य के संदर्भ में करते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं करते। जैसे पेट काटना एक मुहावरा है और उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि रामू ने अपना पेट काटकर अपने बच्चे को पढ़ाया, जबकि लोकोक्ति अपने आप में संपूर्ण वाक्य है। हम पहले अपनी बात पूरी कह लेते हैं और उसके बाद लोकोक्ति का प्रयोग करके हम अपने कथन को प्रामाणिकता देते हैं। जैसे अपनी तुरही यदि खुद नहीं बजाओगे तो लोग उसे पीक दान समझ उसमें थूक कर चले जाएंगे। इस लोकोक्ति का प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे कि हम किसी से कहें कि अपनी योग्यता को, अपनी काबिलियत को खुद पहचानो और उसे आदर दो, क्योंकि यदि तुम अपनी काबिलियत को नहीं पहचानोगे तो लोग उसे कभी नहीं पहचानेंगे, कभी नहीं उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि अपनी तुरही यदि खुद नहीं बजाओ तो लोग उसे पीक दान समझ उसमें थूक कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग हालांकि भाषा में भाषा को रिच बनाता है, उसकी अर्थवत्ता को विस्तार देता है, लेकिन इसके प्रयोग के लिए अपेक्षित जानकारी, प्रामाणिक ज्ञान आवश्यक है। नहीं तो हम उसके संदर्भ में अर्थ का अनर्थ करके हास्यास्पद स्थिति में आ सकते हैं।